नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब एक मरीज युवक की डायलिसिस के दौरान मौत हो गई। वह युवक की मौत की खबर लगते ही परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए और बाउंसरों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गौरीघाट से आए परिजनों ने बताया कि वह डायलिसिस के लिए दीपक केवट को लेकर मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी यूनिट लेकर आए थे, वहां से उन्हें भगा दिया गया। वहीं उसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के 19 नंबर में दीपक का डायलिसिस के लिए भेजा। इस दौरान टेक्नीशियन डायलिसिस अच्छे से नहीं कर रहा था, उसे डायलिसिस करते बन नहीं रहा था। जब टेक्नीशियन को कहा गया तो उसने बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद दीपक की मौत हो गई। वहीं जब परिजनों ने हंगामा करना शुरू किया तो मौके पर बाउंसर भी पहुंच गए। वहीं परिजनों ने बाउंसरों के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया। इस दौरान हंगामे की स्थिति की सूचना पर पहुंची पुलिस और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जांच में जो भी सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कल सुबह से हमारे कार्यकर्ता अमन केवट का भाई दीपक केवट, जो यहाँ पर बहुत समय से उसका डायलिसिस चल रहा था, कल वो सुबह से यहाँ पर उसको बुलाया डायलिसिस के लिए। सुबह से भटका रहे थे कि नई बिल्डिंग में होगा पुरानी बिल्डिंग में, अंत तक आता शाम को जब उनको उसको टाइम दिया गया, उनके परिजन इतने समय से डायलिसिस देख रहे हैं। जो टेक्नीशियन था वो बिल्कुल स्किल नहीं था, उसको कुछ नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही उस बंदे का डायलिसिस चालू किया वो अपना फ़ोन खेलने में लग गया। जब परिजन बोल रहे हैं कि डायलिसिस की मशीन रुक रही है, कुछ हो रहा है, उन लोग हंस रहे हैं, और जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो मरीज के परिजन से अभद्रता कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये डायलिसिस नहीं हो रहा, हम इतने समय से देख रहे हैं, आपसे बनता नहीं है, पहले भी ऐसे किया, तो जो खून था वो एयर बनने के कारण वो पूरा उसका खून जो है मशीन में ही रुक गया और उसने बीच में मशीन बंद कर दी। जब खबर पहुंची, हम लोग पहुंचे वहां पर, तो मशीन में देखा ब्लड था, उन्होंने पाइप निकाल दी, बोला अब इसका अगर खून कम हो गया है तो 6 घंटे बाद जाँच होगी। परिजनों का ये कहना था कि तत्काल में जो टेक्नीशियन यहाँ पर बैठा है उसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई है, आप उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। साथ में यहाँ के पूरे बाउंसर वहाँ पहुँच गए, परिजनों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, और इस प्रकार की, जिस प्रकार से कि मरीज ना होके वो आतंकवादी कोई गुंडे हैं। और आज जब सुबह रात को उसके इलाज के दौरान सुबह मृत्यु हो गई, आज फिर उनके साथ पूरे परिजनों के साथ यहाँ पर बाउंसरों ने, विकास नायडू करके एक वो है, उसने धक्का मुक्की करी, पूरे बाउंसर पहुंच गए। आप यहां देख सकते हैं कि आज वो खत्म हो गए, उनकी मां बेहोश होकर पड़ गई है। पूरी लापरवाही चल रही है यहां पर, यहां का बाउंसर है, पूरी गुंडागर्दी शुद्ध चल रही है। इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ यहां पर लोग बेचारे रोज सुबह आते हैं, भटकते हैं, घर चले आते हैं और इसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं प्रशासन इस पर जागे, स्वास्थ्य विभाग जागे, लोगों की सहायता करें, ना कि उनको डराए धमकाएं और इस प्रकार मृत्यु हो जाए। क्या नाम था और कहाँ के रहने? दीपक केवट था, जो अपना ग्वारीघाट में रहते थे। अमन केवट उसका भाई है, उसकी अभी मृत्यु हो गई है, जिनको अभी यहाँ पर रख के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करते थे ये बेचारे? व्यवसाय करते थे, ठेला इनका ऐसा काम था, छोटे छोटे व्यवसायी थे। मैं नितिन सोनपाली, हिंदू सेवा परिषद नगर उपाध्यक्ष। क्या घटना हुई थी और क्या हादसा हुआ? मेरा भाई है दीपक केवट, जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, तो उसका डायलिसिस होना था कल शाम को, सुबह होना था, लेकिन मैंने न्यू बिल्डिंग में 5 से 6 बार गया, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उन लोग मेरे को बार बार भगा रहे थे चिल्ला चिल्ला के, फिर मैं वहाँ पर उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं पुरानी बिल्डिंग में ही तुम्हारा डायलिसिस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वो जो डायलिसिस चालू कर रहा था, डायलिसिस चालू करते ही नहीं बन रहा था, और उन्होंने आधा घंटा पहले ही, जैसे डायलिसिस चालू किया आधा घंटा हुआ, उसके बाद बोलते यार आ गए, बंद कर दिया, और जो किट में खून रहा वो पूरा किटी में रह गया, अंदर नहीं गया। उसने किट को फ्लैश कर दिया, खून को फ्लैश कर दिया, फिर उसका आधा घंटा बाद चालू किया उसको डायलिसिस, और ऐसे ही आधा घंटा पहले अभी हो नहीं पाया था डायलिसिस पूरा, आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया, और जितना खून किट में बचा था वो उसको भी बचा दिया, जिसके कारण उसकी खून की कमी आ गई है। और रात में डॉक्टर लोग से बोल रहे थे हम कि आप गारंटी दीजिए इसकी 6 घंटे स्ट्रगल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने जो डायलिसिस कर रहा था उसका बयान नहीं लिया, मेरा बयान उल्टा ले रहे थे, और मेरे पापा के साथ बाउंसर लोग मेरे पापा को गर्दन दबा के, पूरे मेडिकल के पूरे बाउंसर आके मेरे पापा को धमकी धमकी दे रहे थे, और जितने भी बाउंसर आउंसर हम लोग धमकी दे रहे थे, पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं रहे, पूरी रात भर जाग रहे थे, और सुबह टाइम वेंटिलेटर में डाल दिए मेरे भाई को, धक्का मुक्की दे रहे थे बिल्कुल। डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो, जो डायलिसिस कर रहा था उसके ऊपर, डायलिसिस यूनिट में टेक्नीशियन है, हम गौरीघाट थाने से, अमन केवट। बाउंसर लोगों डायलिसिस वाला मरीज था, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर में था, बहुत क्रॉनिक रीनल डिसीज थी उसको, और उसको बहुत सीरियस पेशेंट था वो, हमने उसको पूरी बचाने की कोशिश करी और अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन बीमार काफ़ी सीरियस था वो, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर मतलब बहुत सारे उसके ऑर्गन जो फेल्यूर थे उसके, तो हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की, हम करते भी हैं, डॉक्टर हमारा करता भी है।
ठीक है, लापरवाही का आरोप लगाया लोगों पर। हाँ, आरोप लगाया उन्होंने लापरवाही का। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो भी उसमें तथ्य होंगे और जो दोषी होगा उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। मारपीट भी की गई? मारपीट का तो मुझे ध्यान, हो सकता है कुछ दो दलों में कुछ हो गया होगा, मुझे इतना नहीं है, बट आप जहाँ तक जाँच का सवाल है वो मैं करा दूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बाउंसरी के नहीं 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 ऐसा भी नहीं होता है कि बाउंसरी को, क्योंकि अब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो बाउंसर किसी को रोकेगा तो ऐसा थोड़ी हो कि उसको मार देने कि उसने मार दिया या पीट दिया, ऐसा भाई दोनों तरफ से होता है, बाउंसर काम रोकना है, हत्यापाई तो हो भी सकती है ना। सर, एक युवक की मौजूदगी परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया, क्या कुछ मामला? 28 तारीख को दीपक केवट जो ग्वारीघाट का निवासी है उसको उसके परिजनों ने यहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया था। परिजनों के बताया अनुसार उसको किडनी इन्फेक्शन था और उपचार के दौरान कल रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा ये पहले आरोप लगाया गया था कि लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है, जिस संबंध में पीएम कराने के लिए परिजनों को लगातार बता रहे थे, पर उनका कहना यह है कि हम किसी प्रकार का कोई पीएम नहीं कराना चाहते और हम किसी प्रकार की जांच नहीं कराना चाहते। लगातार एक घंटे से समझाइश पुलिस के द्वारा समझाया गया कि आप पीएम कराएं, पीएम जब कराएंगे तभी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि किसी की लापरवाही है या नहीं। और फिर परिजनों के द्वारा उसमें ये लिख कर दिया गया कि हम पीएम नहीं कराना चाहते, हमारा लड़का चला गया है, आप हमें पीएम के लिए दवा ना बनाएं, और उन्होंने पीएम कराने से मना कर दिया और बॉडी को परिजनों को सुपुर्द करके उनको रवाना किया गया। सर, मेडिकल में जो परिजन पहुंचे तो परिजनों का एक आरोप रहा कि बाउंसरों के द्वारा मारा पीटी गई। अब इस संबंध में यदि का जो आरोप नहीं है लेकिन मारी अगर अभी तक परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की इस संबंध में कोई शिकायत नहीं दी गई, अगर कोई शिकायत देते हैं तो उसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार बाउंसरों की शिकायतें आती हैं, अगर बाउंसरों के द्वारा इस घटनाक्रम की लगातार पुनरावृत्ति की जाती है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।